अब तक रामचंद्र समझ गए थे कि सभी वानरों में हनुमान श्रेष्ठ है। रामचंद्र हनुमान के हाथ में अपनी अंगूठी देकर बोले, हनुमान तुम जलस्थल और आकाश हर जगह जा सकते हो, तुम्हारे जैसा वीर कोई नहीं है। अगर सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उसे देना। अंगूठी देखकर सीता समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। इसके बाद वानर सेना चारों तरफ सीता को ढूंढने निकल पड़े। जंगल, पहाड़, नदी, पर्वत, चारों तरफ सीता को ढूंढने लगे। फिर भी सीता को नहीं ढूंढ पाए। परंतु जो लोग दक्षिण दिशा में गए थे, हनुमान, जंबुवन, वे लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। वे लोग रात दिन भूखे प्यासे थके हारे सीता को ढूंढते रहे। देखते देखते एक महीने बीत गए। उन्हें गहरी चिंता थी कि रामचंद्र को क्या मुंह दिखाएंगे। वे लोग थककर विंध्य पर्वत के नीचे बैठ गए। उसी पर्वत पर वास करते थे जटायु के बड़े भाई वृद्ध पंक्षिराज संपति। पंक्षिराज संपति हनुमान और जंबुवन को परेशान देखकर उनके पास आए। हनुमान और जंबुवन पंक्षिराज को देखकर चौंक गए। परंतु उन दोनों की व्यथा सुनने के बाद वे बोले, सीता, रामचंद्र की पत्नी सीता। आप सही कह रहे हैं पक्षीराज। कुछ दिन पहले लंकापति रावण एक नारी को लेकर वायु मार्ग से जा रहा था। क्या? ओ नारी क्या रामचंद्र की पत्नी थी? हाँ, आप सही कह रहे हैं पक्षीराज। इसीलिए तो वो नारी चिल्ला रही थी। अपने कानों से सुना, वो चिल्ला रही थी, हे राम, हे राम। ये लंकाराज कहाँ है पक्षीराज? पंक्षिराज संपति हनुमान और जंबुवन की सारी बातों को सुनने के बाद उनकी मदद और रावण का राजमहल यानी लंका का रास्ता बताने के लिए हनुमान और जंबुवन को समुद्र किनारे ले गए। सामने जो समुद्र है, इसके उस पार लंका राज्य है। रावण वहां का राजा है। दुष्ट रावण सीता को उठाकर ले गया है। तो ये बात है। हनुमान और जंबुवन ने विचार विमर्श किया किस तरह समुद्र पार करें। हनुमान ने इसका दायित्व अपने सर लिया। हनुमान महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़ने के बाद छलांग लगाते हुए जा पहुंचे स्वर्ण नगरी लंका राज्य। जिस समय हनुमान लंका पहुंचे उस समय शाम हो गई थी। चारों तरफ सीता को ढूंढे परंतु सीता कहीं नहीं मिली। और अंत में
अशोक वन आने पर उन्होंने देखा कुछ एक राक्षसी एक देवी जैसी नारी को घेरे बैठी है और वो नारी सर झुकाकर रो रही थी। हनुमान समझ गए यही है देवी सीता। हनुमान सुविधानुसार देवी सीता के पास गए। अपना परिचय देते हुए उन्होंने रामचंद्र की अंगूठी देवी सीता को दिखाई। प्रभु प्रभु प्रभु, हनुमान ने सीता को आश्वासन दिया देवी सीता का उद्धार करेंगे। इसके बाद देवी सीता ने एक अलंकार दिया रामचंद्र को देने के लिए। परंतु जाने से पहले हनुमान ने सुंदर अशोक वन को तहस नहस कर दिया। राक्षस राक्षसी को उठा उठा कर दूर फेंक दिया। ये संवाद सुनने के बाद लंकापति रावण बुरी तरह विचलित हो गए और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत को बुला भेजा। इंद्रजीत। पिता, एक हनुमान आकर हमारे प्रिय अशोक वन का तहस नहस कर दिया। वीर पुत्र, तुम जाओ उसे पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत करो। इंद्रजीत और हनुमान के बीच प्रचंड युद्ध हुआ। तुमने मेरा सुंदर अशोक वन क्यों नष्ट किया मूर्ख? अच्छा किया। मैं हनुमान, राजा सुग्रीव का दूत हूं मैं और राम का दास हूं। तुम चोर हो, पर स्त्री को बंदी बनाकर रखे हो। भलाई चाहते हो तो देवी सीता को वापस करो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु अवश्य। कोई है? इस हनुमान का अभिवत करो। ना ना ना, ये हनुमान दूत है इसलिए इसको मारूंगा नहीं। इसकी पूंछ में आग लगा दो, अग्नि का आनंद लेगा ये। हे 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 हे